कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और महादेव की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल यानी कि साल 2024 में मासिक शिवरात्रि 9 जनवरी को है। ये साल की पहली शिवरात्रि होगी। इस दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 9 जनवरी रात 10:24 पर प्रारंभ हो रही है। साथ ही इसका समापन 10 जनवरी 8:10 पर होगा। मासिक शिवरात्रि की पूजा निशा काल में करना शुभ माना जाता है। ऐसे में मासिक शिवरात्रि 9 जनवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:02 से 12:55 तक रहेगा। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और इसके बाद पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करें। फिर किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव, परिवार, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करें। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। मासिक शिवरात्रि के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। घर परिवार की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी को दही में थोड़ा सा शहद डालकर भोग लगाना शुभ माना जाता है। अगर आप किसी पुरानी बात से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन एक मुट्ठी चावल लेकर उसे शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से आपको अपनी परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिल पाएगा। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है और आप उसे उतारना चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में 1.25 किलो चावल का दान करें। इसके बाद भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कर्ज से छुटकारा भी मिलेगा। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए इस दिन सुबह शिव जी के मंदिर में जाकर गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए उपवास रखने से उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की शादी में दिक्कतें आ रही हैं, वो अगर इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं तो उनके विवाह से जुड़ी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।